नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रिश्तेदार बुलाकर ले गया था, खांडा सिलाना मार्ग पर पड़ा मिला सतपाल, सिर में थे चोट के निशान, धारदार हथियार से किया गया है हमला। 32 वर्षीय है सतपाल, पुलिस ने पंचनामा कर सोनीपत भेजा। घर से कल शाम को बुलाकर ले गया था, दरियापुर दिल्ली निवासी एक युवक बुलाकर ले गया था। दूर की रिश्तेदारी में साला लगता है दिल्ली निवासी बुलाकर ले जाने वाला। विवाह शादियों में ढोल बजाने का काम करता था। खेतों में जाने वाले राहगीरों ने दी गांव में सूचना। खांडा के रहने वाले 32 वर्षीय सतपाल का शव खांडा सिलाना मार्ग पर पड़ा मिला। राहगीरों ने मामले की सूचना गांव में दी। उधर दूसरी तरफ मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव की शिनाख्त 32 वर्षीय सतपाल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सतपाल विवाह शादियों पार्टी समारोह में ढोल बजाने का काम किया करता था। वह कुवारा था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम को से दूर की रिश्तेदारी का एक युवक बुलाकर ले गया था। रात को सतपाल घर वापस नहीं आया। सुबह गांव में चर्चा हुई कि खांडा सिलाना मार्ग पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। फिर एक ग्रामीण ने सूचना दी कि वह शव किसी और का नहीं बल्कि 32 वर्षीय सतपाल का ही है। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टा में पुलिस सिर में धारदार हथियार से हमला लगता है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। थाने प्रभारी करमजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही हत्या का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। चोट किस तरह से हथियार से मारी गई है यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही खुलासा हो पाएगा। मेरा नाम जी रवि है। ये जी हमारा चाचा लगता था रिश्ते में, सतपाल नाम है का, और बाप का नाम रामकृष्ण है, गांव कांडा से है। इसने जी थोड़ा प्रोग्राम करका ये चलो के ढोल डाल बजा कर ढोल मजदूरी काम करता था, और फिर इसने थोड़े बहुत शराब पी रखी थी। इसकी रिश्तेदारी में तो इसके भाई का साला आया गांव में, वो इसको बैठा गया यहाँ से गांव से ले गया कि चल आ तू देसी मत पी, दूसरे को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इन्हें फिर वहाँ से जी कुछ खाने का सामान लिया दुकान से, और फिर इसके बाद ये खेतों की तरफ निकल गई। उसके बाद फिर सुबह पता लगा कि ओनू का मर्डर हो गया। कितनी उम्र के थे? उम्र के जी लगभग 28-29 साल के थे। तो किस चीज़ से हत्या की गई? ये जी कोई तेज धार हथियार से हत्या की गई है। जिसके सिर पर परना बंद आया था वो भी कटा हुआ मिला है, और 3-4 जगह वारदात होनी सिर पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र है, उर्फ रवि। आज सुबह थाना पर इतला मिली थी कि भाई सतपाल सन्नोब रामकृष्ण उवासी खांडा की डेड बॉडी वहाँ रोड पर पड़ी है। जो मौके पर गए तो उसकी डेड बॉडी मुँह मुँह पड़ी थी, और उसके सर में और दाहिनी तरफ कनपटे हुए चोटें लगी थी तेज धार हथियार से। और उन्होंने मौके पर उनके परिवारजनों की स्टेटमेंट अंकित कर दी है, और तफ्तीश अमल में लाई जा रही है, और 302 के तहत अभियोग अंकित किया जा चुका है। तो पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम यहाँ जी। ठीक, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे तफ्तीश में जो भी एंगल होगा उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या मेरा तो फर्स्ट ही इशू था, तो मैंने रिकमेंड जैसे एक दो से पूछा यहाँ के बारे में, सोनीपत के बारे में, तो उन्होंने मुझे सब ने ट्यूलिप ही रेफ़र किया था। एंड इट्स बिन द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सच में 9 मंथ्स में हम दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे स्टाफ से मिलिए, आप मैम से मिलिए, फैसिलिटीज़ टॉप क्लास फैसिलिटीज़ हैं। 3 दिन जैसे मेरा परसों हुआ था सीजीरियन मॉर्निंग में, आज डिस्चार्ज होंगी, तो 3 दिन का मेरा सबसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं रिकमेंड करती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद भी वर्किंग हूँ तो मेरे ऑफिस में भी मेरी 2-3 कलीग्स हैं हु आर एक्सपेक्टिंग, तो मैंने उनको भी यही रिकमेंड किया है कि सोनीपत में अगर हो तो यू मस्ट गो टू ट्यूलिप, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स आई हैव एवर विजिटेड। बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे। ईट भट्टों के पास बिकती है शराब, पाबंदी लगाने में पुलिस नाकाम। खरगोदा में अवैध शराब बिक्री का खेल वर्षों से है जारी। ईट भट्टों पर परचून की आड़ में शराब बेचते पकड़े। खरगोदा में अवैध रूप से शराब की बिक्री का खेल बहुत पुराना है। मामला चंडीगढ़ तक उठा, लेकिन प्रशासन खरगोदा में अवैध रूप से बिक रही शराब पर अंकुश लगाने में फेल हो रही है। हालांकि पुलिस टीमों द्वारा निरंतर छापामारी करके ईट भट्टों व इंडस्ट्रियल इलाकों में अवैध रूप से बगैर लाइसेंस की शराब बेचते कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अवैध रूप से शराब की बिक्री का खेल निरंतर जारी है।
गांव व शहरों के कई मोहल्लों में भी इस तरह से परचून या अन्य दुकानदार चोरी छिपे शराब बेचते हैं। पिछले दो दिनों में पुलिस ने 4 युवकों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए काबू किया है। जानकारी के मुताबिक सैदपुर पुलिस ने फिरोजपुर बांगर गांव से एक युवक विक्की को, खरगोदा पुलिस ने सिसाना से एक ईंट भट्ठा से विजय को, सिसाने के दूसरे ईंट भट्ठे से निरंजन को, खांडा ईंट भट्ठे के पास से योगेंद्र को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की ईंट भट्ठों के पास खुली हुई प्रचून की दुकानों में अवैध रूप से शराब मिली है। सभी के पास से शराब बरामद की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ईंट भट्ठों व इंडस्ट्रियल इलाकों में जो टी स्टोर व परचून की दुकानें हैं, वे दुकानें संदेह के घेरे में हैं। लेकिन इस तरह से अवैध रूप से शराब बेचने का खेल निरंतर जारी है। थाने प्रभारी करमजीत सिंह का कहना है कि निरंतर गश्त लगाकर जांच की जा रही है, आरोपियों पर कार्यवाही की जाती है। रंजिशन महिला पर हमले का आरोप, बचाव में आए पति व देवर को भी पीटा। गढ़ी सिसाना गांव में एक दुकान पर सामान लेने जा रही महिला पर पीछे से रंजिशन हमला कराने का मामला सामने आया है। बचाव में आए पति व देवर पर भी हमला किया गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गढ़ी सिसाना गांव निवासी महिला का कहना है कि वह गांव में एक दुकान से सामान लेने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंची तो अचानक पीछे से गांव की एक महिला सहित 4 युवकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने जब उसकी पिटाई की तो शोर सुनकर उसका पति, देवर, बेटा भी वहां पर आ गए। आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। इस झगड़े में उसके देवर के बेटे अमन को भी चोट आई है। आरोपी उससे जान बचाकर अस्पताल में इलाज के लिए आए। महिला ने शिकायत दी है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। उसका पति दिल्ली के बैंक में नौकरी करता है, उसे जान का खतरा है। इससे पहले भी आरोपी उनसे के साथ झगड़ा कर चुके हैं। 2 महीने से सीवरेज ठप, गंदगी व निकासी के इंतजाम नहीं। खरखुदा में जनस्वास्थ्य विभाग के कई सीवरेज मैनहोल ठप पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक करने का काम पिछले 2 महीने से किया जा रहा है, लेकिन सीवरेज के पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण सीवरेज का गंदा पानी सड़क व बस्ती में पहुंच गया है, जिससे बस्तियों के साथ साथ सड़क से गुजरना भी जोखिम मोल लेना हो गया है। जिन स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर जो इंजन लगाया था, वह ठेकेदार ने हटा लिया। सीवरेज मैनहोल में मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया गया। सारी शहर का गंदा पानी बस्तियों में निकल रहा है। सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण सड़क पर गंदा पानी फैल रहा। दूसरी तरफ इस तरह से पानी जमा रहने से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग का इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। एसडीएम को शिकायत के बाद सीवरेज मैनहोल बनाने में तेजी की ओर, मैनहोल तो बना दिया, अब दूसरे मैनहोल को ठीक करने की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन पानी निकासी के इंतजाम अभी तक न होने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा है, जो बस्तियों में पहुंच रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। एसडीओ सुदेश कुमारी पिछले 15 दिनों से जेई व ठेकेदारों से कह रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में बस्ती वासी फिर से एसडीएम से मिलकर अपनी शिकायत करेंगी। एसडीओ सुदेश कुमारी का कहना है कि सुपर सकर मशीन मंगवाई गई है, ताकि किसी मैनहोल को ठेकेदारों ने मिट्टी डालकर भरा था उसे साफ कराया जाएगा। इसके अलावा जो पानी सड़कों पर जमा है उसे निकलवाया जाएगा, लेकिन पिछले 2 महीनों से ही हालत बद से बदतर हो रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एफटेक पिछले 20 साल से खरखोदा में काम कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और जो कमज़ोर और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे वो आगे आकर अपने भविष्य को सुधार सके। जैसे गांव की बिजली है, बिजली कहते हैं कुछ लोग भाई सरपंच ने बेच दी या किसी अधिकारी ने बेच दी, वो जो है झूठे लोग हैं, उनकी आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। गाँव में पहले एक पंचायत ने प्रस्ताव किया था कि हम बिजली बोर्ड को ये ज़मीन देते हैं 7 एकड़ ड्रेन पे, और इसके बदले में 24 घंटे बिजली चाहिए। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार और विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।